नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अंडमान एक्सप्रेस के बारे में, जो कि वैष्णो देवी कटरा से चेन्नई सेंट्रल के बीच में हफ्ते में 3 दिन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अंडमान एक्सप्रेस के बारे में, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल के बीच में हफ्ते में 3 दिन चलती है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से हर मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना होती है। अगर हम बात करें इसका ट्रेन नंबर के बारे में, तो इसका ट्रेन नंबर है 16032 और ये जो ट्रेन है 56 घंटे 20 मिनट में कटरा से चेन्नई की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 70 स्टेशन हैं और 2870 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है 51 किलोमीटर पर आवर। ICF कोचेज वाली ट्रेन है। इसमें अगर कोचेज के बारे में बात करें तो 2nd AC, 3rd AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये जो ट्रेन है टोटल 2870 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। अगर बात करें रूट मैप के बारे में, तो कटरा स्टेशन से स्टार्ट होती है, बाद में जम्मू तवी, फिर पंजाब के पठानकोट कैंट, जलंधर कैंट जंक्शन, लुधियाना होते हुए ये दिल्ली में पहुँचती है। दिल्ली के बाद ये ट्रेन जो है भोपाल जंक्शन में पहुँचती है, फिर नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में, फिर ये ट्रेन जो है विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश होते हुए चेन्नई सेंट्रल में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको अंडमान एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। अंडमान एक्सप्रेस जो है इसमें 2nd AC के कोच है, जिसका कटरा से चेन्नई तक का जो टोटल किराया है वो है 3520 रुपये, जिसमें 3302 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 168 रुपये है। टोटल किराया 3520 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में 3rd AC के कोच भी है। अंडमान एक्सप्रेस का जो कटरा वैष्णो देवी से चेन्नई सेंट्रल तक का जो टोटल किराया है वो है 2400 रुपये, जिसमें 2245 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 115 रुपये है और टोटल किराया जो बनता है वो है 2400 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के तकरीबन 8 कोच हैं, जिसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। कटरा से चेन्नई तक का जो टोटल किराया है वो है 920 रुपये, 900 रुपये जिसमें बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया 920 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं, जिसमें अगर आपने जाना है तो तकरीबन 650 रुपये इसका जनरल टिकट का किराया होगा। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। वैसे जनरल टिकट के किराए जनरली जो है रेलवे टिकट काउंटर से पता लगते हैं, बाकी अन्य किराए भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अंडमान एक्सप्रेस जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से हर मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को रात को 10:30 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 56 घंटे 20 मिनट बाद ये चेन्नई सेंट्रल में पहुंचती है और इसके तकरीबन 70 स्टेशन हैं, 2870 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है उधमपुर। उधमपुर में अंडमान एक्सप्रेस जो है रात के 10:54 पर पहुंचती है और 10:56 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे रात के 12:05 पर पहुंचती है और 12:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद कठुआ रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में ये रात के 1:15 पर पहुंचती है और 1:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पंजाब के पहले स्टेशन पठानकोट कैंट में सुबह 1:58 पर पहुंचती है और 2:03 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पठानकोट कैंट के बाद ये ट्रेन जो है मुकेरियाँ रेलवे स्टेशन पर रात के 2:36 पर पहुँचती है और 2:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 4 मिनट का स्टॉप है, 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पंजाब के जलंधर कैंट जंक्शन में या जलंधर छावनी जंक्शन में सुबह 4:30 पर पहुंचती है और 4:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस और झेलम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। फगवाड़ा जंक्शन पंजाब में सुबह 4:47 पर पहुंचती है और 4:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 306 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
इसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन पंजाब में पहुंचती है सुबह 5:40 पे और 5:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से लुधियाना जंक्शन की जो दूरी है 340 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है LDH। इसके बाद अहमदगढ़ पंजाब में ये ट्रेन जो है सुबह 6:14 पर पहुँचती है और 6:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 365 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अहमदगढ़ के बाद ये ट्रेन जो है मलेरकोटला पंजाब में सुबह 6:32 पर पहुँचती है और 6:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 384 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MET। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो श्री माता वैष्णो देवी ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलकर धूरी जंक्शन पंजाब में पहुंचती है सुबह 7:30 पे और 7:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। धूरी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के संगरूर रेलवे स्टेशन पे सुबह 8:01 पे पहुंचती है और 8:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 420 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सुनाम उधम सिंह वाला रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 8:21 पे पहुंचती है और 8:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 430 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SFMU। इसके बाद ये ट्रेन जो है लहरा गागा रेलवे स्टेशन पंजाब में सुबह 8:42 पे पहुंचती है और 8:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 454 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जाखल जंक्शन हरियाणा में यह ट्रेन जो है सुबह 9:25 पे पहुँचती है और 9:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 470 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। टोहाना में सुबह 9:40 के करीब पहुंचती है और 9:41 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। टोहाना के बाद ये ट्रेन जो है नरवाना जंक्शन हरियाणा में सुबह 10 बजे पहुंचती है और 10:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 508 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हरियाणा के अगले स्टेशन उचाना रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। उचाना रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 10:14 पे पहुँचती है और 10:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 521 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर ट्रेन जो है दिल्ली बठिंडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बरसोला रेलवे स्टेशन हरियाणा में सुबह 10:26 पे पहुँचती है और 10:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 532 किलोमीटर पे जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चलकर जींद जंक्शन हरियाणा में पहुंचती है सुबह 10:42 पे और 10:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 542 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झुलाना हरियाणा में सुबह 11:03 पे पहुंचती है और 11:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 565 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है JNA। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन चलकर रोहतक जंक्शन हरियाणा में सुबह 11:31 पे पहुँचती है और 11:33 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन हरियाणा में ट्रेन जो है दोपहर के 12:01 पर पहुंचती है और 12:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 637 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। शाहपुर बस्ती दिल्ली में ट्रेन जो है दोपहर के 12:36 पर पहुँचती है और 12:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 1:35 पर पहुंचती है और 2:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 35 मिनट का स्टॉप है, 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में यह ट्रेन जो है दोपहर के 2:21 पर पहुंचती है और 2:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन हरियाणा में
दोपहर के 2:42 पर पहुंचती है और 2:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन पर मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। मथुरा जंक्शन में 4:11 पर पहुंचती है और 4:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आगरा कैंट उत्तर प्रदेश में 4:55 पर पहुंचती है और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हिमसागर एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है AGC। इसके बाद मुरैना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में 6:22 पर पहुंचती है और 6:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है 7:50 पर पहुंचती है और 7:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी जंक्शन में यह ट्रेन जो है 9:55 पर पहुंचती है और 8 मिनट बाद 10:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बीना जंक्शन मध्य प्रदेश में 12:10 पर पहुंचती है और 12:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बीना जंक्शन के बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भोपाल जंक्शन में 2:10 पर पहुंचती है और 2:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इटारसी जंक्शन में यह ट्रेन जो है 4:00 पहुँचती है और 4:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है ET। इसके बाद ये ट्रेन जो है घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में 5:03 पर पहुँचती है और 5:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है GDY है। बैतूल रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है 5:40 पर पहुँचती है और 5:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BZU। इसके बाद अमला जंक्शन मध्य प्रदेश में 6:02 पर पहुंचती है और 6:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1596 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन मुलतई रेलवे स्टेशन पर 6:22 पर पहुँचती है और 6:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में 9:00 पहुँचती है और 9:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सेवाग्राम जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है 10:00 और 10:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 11:36 पर पहुंचती है और 11:40 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1955 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बलहरशाह जंक्शन महाराष्ट्र में 2:05 पर पहुंचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है महाराष्ट्र से तेलंगाना स्टेट में एंटर करती है। तेलंगाना के पहले स्टेशन श्रीपुर कागज नगर में 2:02 के करीब पहुंचती है और 2 बजे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बेलमपल्ली तेलंगाना में 2:28 पर पहुँचती है और 2:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BP है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मंचरियाल रेलवे स्टेशन पर 2:31 पर पहुँचती है और 2:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है MCI। इसके बाद रामागुंडम रेलवे स्टेशन तेलंगाना में 2:51 पर पहुँचती है और 2:53 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पेड़ापल्ली जंक्शन तेलंगाना में अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 3:03 पर पहुँचती है और 3:04 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जमी कुंटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है 3:29 पर पहुँचती है और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वारंगल रेलवे स्टेशन तेलंगाना में
4:23 पर पहुँचती है और 4:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और उसका स्टेशन कोड है WL। इसके बाद केसमुदरम रेलवे स्टेशन तेलंगाना में 5:09 पर पहुँचती है और 5:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, इसका स्टेशन कोड है KDM। इसके बाद ये ट्रेन जो है महबूबाबाद तेलंगाना में 5:23 पर पहुँचती है और 5:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, इसका स्टेशन कोड है MABD। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चलकर तेलंगाना के द्रोणाकल जंक्शन में पहुंचती है 5:45 पे और 5:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खम्मम रेलवे स्टेशन पे 6:09 पे पहुंचती है और 6:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2322 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खम्मम रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है KMT। और इसके बाद मदिरा रेलवे स्टेशन तेलंगाना में ट्रेन जो है 6:34 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, इसका स्टेशन कोड है MDR। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो तेलंगाना से आंध्र प्रदेश स्टेट में एंटर करती है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन में ये ट्रेन जो है 8:50 पे पहुंचती है और 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है न्यू गंटूर आंध्र प्रदेश में 9:43 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2450 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। तेनाली जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 10:28 पर पहुंचती है और 10:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है, 2470 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नीडू बरोलू रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में 10:50 के करीब पहुंचती है, 10:50 पर ही वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और उसका स्टेशन कोड है NDO। भापाटाला रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में 11:08 पर पहुंचती है और 11:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BPP। यहां पर ये ट्रेन जो है चारमीनार एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चिराला रेलवे स्टेशन पर 11:23 पर पहुंचती है और 11:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2528 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और चिराला रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CLX। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ऑनगोल रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है 12:34 पे और 12:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2578 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिंगराया कोंडा आंध्र प्रदेश में 12:55 पे पहुंचती है और 12:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। तिरुपति विशाखापट्टनम एसी डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चलकर कवाली रेलवे स्टेशन पे सुबह 1:23 पे पहुंचती है और 1:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नेल्लोर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन जो है 2:24 पे पहुंचती है और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गडूर जंक्शन आंध्र प्रदेश में 3:58 पे पहुंचती है और 4 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नायडू पेटा रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:23 पे पहुंचती है और 4:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है NYP। इसके बाद आंध्र प्रदेश के आखिरी स्टेशन और इस ट्रेन के सेकंड लास्ट स्टेशन पे अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सलूरू पेटा में पहुंचती है सुबह 4:45 पे और 4:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 2795 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से चलकर अपने आखिरी स्टेशन तमिलनाडु के चेन्नई सेंटर में सुबह 6:50 पे पहुंचती है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है
2877 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।